हाँ जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटी में परफेक्ट 90 स्कोर कैसे लेना है। पीटी में अच्छे स्कोर बैंड लेने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। ये सारी बातें मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने अपने पीटी एग्ज़ाम्स में यूज़ किया है। लास्ट 5 अटैम्प्ट जो मैंने दिए हैं, हर एक एग्ज़ाम में मेरा 90 आया, और वो जो टिप्स एंड स्ट्रैटजीज मैंने अपने एग्ज़ाम में यूज़ करी हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप एंड तक देखें, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसका भी आंसर दे पाऊँ। शुरू करते हैं पीटी से। जैसे कि आपको पता है, अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हो या पीटी के बारे में आपने सुना है, इसके 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड देन लिसनिंग। स्पीकिंग से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। उसके पहले सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएँ आपका माइक्रोफोन प्रॉपर पोजिशन पर हो। ये नहीं है कि माइक्रोफोन कहीं पे भी लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं है जो आपके आंसर चेक करेगा। एक कंप्यूटर है जो आपके आंसर चेक करेगा, और आपको कंप्यूटर के लिए हर एक चीज़ बहुत आसान बनानी है। आपको मेक श्योर करना है कि आपका माइक्रोफोन आपके माउथ के पैरेलल हो, माउथ के आगे ना हो, क्योंकि उसमें अगर आगे होगा तो ब्रीदिंग साउंड जाएगी और बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो मेक श्योर करें उसको पैरेलल रखें और बिल्कुल सही पोजिशन पर रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको अच्छी तरह चेक करें अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले। एक बार आपने माइक्रोफोन चेक कर लिया, उसके बाद आपकी इंट्रोडक्शन आएगी। पर्सनल इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप पर्सनल इंट्रोडक्शन में अपने बारे में 2-3 लाइन्स बोल दें, ताकि आप एक फ़्लो और मोमेंटम में आ जाएं और आपका फ़्लो बन जाए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, जहाँ से आपकी सारी चीज़ें मार्क्ड होंगी। पहला टास्क आपको स्पीकिंग का आएगा, रीड अलाउड। रीड अलाउड में आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि हमें बहुत फास्ट बोलना है या बहुत धीरे बोलना है, कौन सी स्पीड पर बोलना है। मैं आपको क्लियर ये बोलूँगा कि आप एक मॉडरेट पेस पे बोलें, बहुत तेज़ या बहुत स्लो नहीं बोलना। यू हैव टू स्पीक एट एन एवरेज पेस। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ के दिखाता हूँ। वंस यू हैव पिक्ड अ जनरल टॉपिक फॉर योर पेपर, यू नीड टू कम अप विद अ थीसिस। योर थीसिस इज द मेन एंड फोकल पॉइंट ऑफ योर पेपर एंड इट इज़ द पोजिशन यू विल टेक ऑन योर पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रॉन्ग थीसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू डू टू एस योर पेपर। सो मैंने कॉमा पे पॉज लिया, फुल स्टॉप पे पॉज लिया, एंड जब भी कोई फ्रेज एंड हो रहा था एंड सेंटेंस लेंथी था तो मैंने पॉज लिया। मैं बहुत फास्ट नहीं बोला ताकि एज क्लियर बोल पाऊँ। आपको फ्लो में जाना है, बहुत फास्ट नहीं जाना, जितना भी क्लियर हो सके बोलना है। कोई भी वर्ड जिसके एंड में एस या ईडी है वो प्रॉपरली और क्लियरली बोलना है। इसके बाद आपका सेकेंड टास्क आता है रिपीट सेंटेंस, जो कि स्पीकिंग का है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीकिंग के साथ साथ ये लिसनिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा स्कोर देता है। अब इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कंटेंट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका कंटेंट 100% होना चाहिए। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके अराउंड 2 मंथ्स बैक यूट्यूब पर वीडियो डाला था कि अगर आपका कंटेंट 80-90% भी होता है तब भी आपका स्कोर इजीली आ सकता है। मैंने उस मॉक टेस्ट में अराउंड 80% कंटेंट बोला था, मेरा 90 लिसनिंग 90 स्पीकिंग आया था। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको क्लियरली बोलना है। आपको ट्राई करना है कि एज मच कंटेंट आप रिपीट करें। अगर आप 100% कंटेंट रिपीट नहीं भी कर सकते हैं तो आप 80-85% कंटेंट रिपीट करें, एक फ्लुएंट मैनर में करें। बीच में पॉज मत करें, रुके मत, जितना भी हो सकता है फ्लो में बोलें। उसके बाद अगर आपको कंटेंट श्योर नहीं है तो चुप ना करें, अपनी तरफ से सेंटेंस बना के बोल दें। उससे आपको कंटेंट में स्कोर तो नहीं मिलेगा, बट आपकी फ्लुएंसी डाउन नहीं होगी और आपका स्पीकिंग में स्कोर बरकरार रहेगा, मतलब आपका स्कोर स्पीकिंग में कम नहीं होगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ट्राई करें कि एज मच कंटेंट रिपीट करें। अगर कंटेंट सही रिपीट नहीं हो रहा है तो चुप ना करें, जितना रिपीट होता है फ्लुएंट मैनर में कर दें और जो भी बोलना है वो क्लियर बोलें। एवरी डे अराउंड 35-40 रिपीट सेंटेंसेस प्रैक्टिस करें। और साथ में मैं ये भी बोलूँगा कि आप हर एक रिपीट सेंटेंस में कंटेंट गलत नहीं कर सकते हैं। अगर 10 रिपीट सेंटेंस आते हैं तो 10 में से 6 या 7 तो परफेक्ट होने चाहिए, बाकी 3 आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। फिर आ जाते हैं आपके डिस्क्राइब इमेजेस। डिस्क्राइब इमेज में आपको क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टास्क है लेकिन सिर्फ स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं इसका स्कोर नहीं जाता। अब इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लो और क्लैरिटी, कंटेंट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कंटेंट सही से या रेलिवेंट भी नहीं बोलते हैं तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। आपको फ्लुएंट मैनर में बोलना है, जो भी बोलें विदाउट पॉजेज और विदाउट हेजिटेशन बोलें। साथ के साथ आपको कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना है जो आप श्योर नहीं है। लेट्स से इमेज का टाइटल है इंडिया, बट मेरे को इंडिया बोलना नहीं आता, तो ट्राई टू स्किप दैट वर्ड, कोई और वर्ड बोल दें जो इमेज में है, बट ऐसा कोई भी वर्ड मत बोलें जो आपको 100% श्योर नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका स्कोर डिस्क्राइब इमेज में बिल्कुल आएगा। एक और क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का
कि कितने सेकंड बोलना डिस्क्राइब इवन में, एनी वेयर बिटवीन 15 टू 25 सेकंड्स इज फाइन। अगर आप 40 सेकंड्स भी बोलेंगे तो दैट्स ऑल्सो फाइन, बट मैंने पर्सनली ट्राई किया हुआ है, 15 टू 25 सेकंड्स इज इनफ। तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा बोलोगे उतने ही मिस्टेक के चांसेस इंक्रीज होंगे। तो इट्स बेटर कि आप कम बोलें बट जो भी बोलें वो क्लियर और फ्लुएंट मैनर में बोलें। तो ये थी आपकी डिस्क्राइब इमेज। अब चलते हैं रिटेल लेक्चर के ऊपर। रिटेल लेक्चर की बात करें तो ये फोर्थ टास्क है आपके स्पीकिंग सेक्शन का, इंपॉर्टेंट टास्क है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके स्कोर स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग में भी जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, स्पीकिंग के रिटेल लेक्चर में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको मेक श्योर करना है जब ऑडियो चल रही हो तो आप अराउंड 12 टू 18 कीवर्ड्स नोट डाउन कर लें। 12 से 18 कीवर्ड्स लेक्चर के अपने नोटबुक में या नोटपैड में लिख लें ताकि आपका कंटेंट कम ना हो। एक बार आपने लिख लिया है, आपको अगेन फ्लुएंसी का ध्यान रखना है कि आप एक फ्लुएंट मैनर में फ्लो में बोलें विदाउट एनी काइंड ऑफ पॉजेज एंड हेजिटेशंस। ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी बोलें वो क्लियर बोलें, फ्लुएंट मैनर में बोलें, क्लियर बोलें और कॉन्टेंट 12 से 18 कीवर्ड्स बोलें। इसके लिए आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल लैंग्वेज अकेडमी पे अपना रिटेल लेक्चर का टेम्पलेट डाला जो कि मैंने अपने एग्जाम में भी यूज़ किया। अगर आप वो यूज़ करेंगे इट विल बी 120% फाइन। ये चीज़ें का ध्यान रखना है रिटेल लेक्चर में। इसमें कितना टाइम बोलना है, अराउंड 30 सेकंड्स बोलो तो बढ़िया रहेगा ताकि आपका कंटेंट कम ना हो। इसमें मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि 15 सेकंड्स बोलो, इसमें एटलीस्ट 25-30 सेकंड्स बोलो। अगर आप 35 सेकंड्स पे जाते हो तो दैट्स ऑल्सो फाइन। 30 सेकंड्स बोलने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारे ये बात की श्योरिटी हो जाएगी कि हमारा कंटेंट कम नहीं होगा और लिसनिंग में स्कोर ड्रॉप डाउन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ टास्क और लास्ट टास्क आपके स्पीकिंग मॉड्यूल का, जिसको हम बोलते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपको 10 से 12 आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले बस इसकी प्रिडिक्शन फाइल जो हमारी वेबसाइट languageacademy.com.au पे अवेलेबल होती है वो आप पढ़ लें। सिमिलर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, अगर 10 में से 7 भी सही हैं तो दैट्स फाइन। इनकेस आपको आंसर नहीं आता है तो चुप मत रहें, आप क्वेश्चन में से थोड़े कीवर्ड्स रिपीट कर दें। अगर आप क्वेश्चन में से थोड़े कीवर्ड्स रिपीट करोगे तो यू आर 110% गुड टू गो। तो ये चीज़ें थी आपके स्पीकिंग सेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लैरिटी। जो भी वर्ड बोलें वो क्लियर बोलें, मुश्किल वर्ड डिस्क्राइबिंग में जो रिटेल लेक्चर में छोड़ दें। फ्लो का ध्यान रखें, फ्लो के लिए आपने अननेसेसरी पॉजेस, नेसेसरी पॉजेस नहीं कह रहा हूँ, अननेसेसरी पॉजेस कह रहा हूँ, जहाँ पे फुल स्टॉप या कॉमा है वहाँ पे आप पॉज ले सकते हैं। अननेसेसरी पॉजेस का को अवॉइड करना है, हेजिटेशंस को अवॉइड करना है और किसी भी तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड को अवॉइड करना है ताकि आपका फ्लो ना टूटे, आपकी क्लैरिटी सही रहे और जो भी आप बोलो वो कॉन्टेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूट हो। तो ये थी थोड़ी टिप्स आपके स्पीकिंग सेक्शन के लिए। अब चलते हैं आपके राइटिंग सेक्शन में। अब राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, राइटिंग सेक्शन में दो तरह के टास्क होते हैं। पहला टास्क होता है समराइज रिटन टेक्स्ट, जो आपको 2 या 3 आएंगे, और ऐसे होता है नेक्स्ट टास्क जो आपको 1 या 2 ऐसे आएंगे। समराइज रिटन टेक्स्ट आपको 10 मिनट मिलते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट में आपको कौन सी बात या किस चीज़ का ध्यान रखना है, समराइज रिटन टेक्स्ट में आपने ध्यान रखना है कि आप अराउंड 10 to 12 कीवर्ड्स पैसेज में से उठाएं, पैसेज में से 10 से 12 कीवर्ड उठाएं और उसके बाद जो भी लिखें किसी भी चीज़ के स्पेलिंग गलत ना हो। आप सेंटेंसेस कनेक्टर से जॉइन करें ताकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए। और आपको 10 मिनट मिलते हैं एक समराइज रिटन टेक्स्ट करने के लिए, लास्ट 3 मिनट आपने प्रूफ रीड करने के लिए छोड़ने हैं। प्रूफ रीड का क्या मतलब है, जो भी वर्ड आपने लिखा है आपको मेक श्योर करना है कि आप उसके स्पेलिंग सही से पढ़ें ताकि कोई भी पॉइंट स्पेलिंग में लूज ना हो। इसी के साथ आपको मेक श्योर करना है कि आप एक ही फुल स्टॉप यूज़ करें। अगर आप एक से ज़्यादा फुल स्टॉप या एक फुल स्टॉप, एक क्वेश्चन मार्क या फिर एक एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे तो आपके फॉर्म में 0 नंबर मिलेगा और आगे आपका आंसर चेक नहीं होगा। तो एक फुल स्टॉप डालना है, साथ में आपको मेक श्योर करना है कि आप 10 से 12 कीवर्ड डालें, कोई भी स्पेलिंग गलत ना हो। अगर आप एनी वे बिटवीन 35 टू 55 वर्ड्स लिखते हैं दैट इज़ 110% फाइन। अगर आप 55 से थोड़ा सा ऊपर भी लिख देंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 35 वर्ड्स लिख दो ताकि आपका कंटेंट कम ना हो। तो ये था आपका समराइज रिटन टेक्स्ट। नाउ वील मूव ऑन टू एसे। एसे देखते हैं कि एसे में आपको क्या क्या करना है। 1 या 2 ऐसे आएंगे। ऐसे आइल्स की तरह नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लॉजिकल ऐसे लिखना है, बहुत मीनिंगफुल टास्क टू करना है। आपको ऐसे में 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले टॉपिक सही से पढ़ना है और मेक श्योर करना है कि आपके ऐसे में टॉपिक से रेलिवेंट कीवर्ड्स हों, चाहे उसकी 100% सेंस ना ही बने बट कीवर्ड्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपके ऐसे में अराउंड 8 to 10 कीवर्ड्स टॉपिक से रिलेटेड हों। उसके बाद आपको 200 to 300 वर्ड्स के बीच में ऐसे लिखना होता है। अगर आप 220 to 240 वर्ड्स लिखेंगे दैट इज़ 120% फाइन।
उसी के साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 20 मिनट मिलते हैं ऐसे लिखने के लिए, अराउंड 17 मिनट्स में आपने लिखना बंद कर देना है, लास्ट 3 मिनट्स आपको प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग का मतलब कि जो भी आपने लिखा है आपको उसको रिवाइज करना है कि कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। एंड फोर्थ थिंग जो आपने ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अगर कोई स्पेलिंग नहीं आता है गलत लिखने से अच्छा है मत लिखें उसको। तो क्या ध्यान रखना है, अराउंड 10 कीवर्ड्स, अराउंड 220 टू 240 वर्ड्स मोर देन इनफ। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप 270 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। देन आपको 3 मिनट प्रूफ रीडिंग के लिए देना है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखना है जिसके स्पेलिंग नहीं आते हैं, और मेक श्योर करना कि अपने स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स के प्रति आपको ध्यानपूर्वक, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू योर ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। तो ये था आपका राइटिंग सेक्शन, विल मूव ऑन टू रीडिंग सेक्शन नाउ। जब आप रीडिंग सेक्शन शुरू करेंगे सबसे पहले आपको आएंगे रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, 5 से 6 आएंगे। इसमें आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना है, ग्रामेटिकल रूल्स का यूज़ करना है और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या है, आप सही ऑप्शन ना चूज़ करें, आप गलत ऑप्शन निकाल दें, एक एक करके गलत ऑप्शन निकाल देंगे, द लास्ट वन जो लास्ट वाला रिमेनिंग होगा वो अपने आप सही आंसर होगा। इसकी प्रैक्टिस या इसमें इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, एवरीडे 30 रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स प्रैक्टिस करें। फिर आते हैं एमसीक्यू मल्टीपल, इसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि एक ही ऑप्शन लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना आपने। रीऑर्डर पैराग्राफ अराउंड 15 प्रैक्टिस करें, अगर आपको सही आंसर नहीं भी मिल रहा है आप पेयर्स बना दें फिर भी आपका स्कोर आ सकता है। पेयर्स कैसे बनाने हैं, 2 सेंटेंस ढूंढें जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको राइट हैंड साइड ले जाएं, 2 और ढूंढें जिन जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं उनको राइट हैंड साइड ले जाएं और मूव ऑन करें। एक रीऑर्डर में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है। फिर आपके आएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स, अगेन ग्रामेटिकल रूल्स, एलिमिनेशन मेथड और पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझें। इसी के साथ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आप पैसेज को इस तरह से समझें कि आप कॉन्टेक्स्ट को ग्रैस्प कर सकें, समझ सकें कि क्या चल रहा है, दैट विल इम्प्रूव, उससे आपके सही आंसर होने की प्रॉबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और एक रीडिंग ब्लैंक के पैसेज में आपको 2-2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने। एंड लास्ट यू विल गेट एमसीक्यू सिंगल आंसर्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर टाइम बचता है तो आप इनको सॉल्व करें, अगर नहीं बचता तो जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है सिलेक्ट करके मूव ऑन करें, क्योंकि इनको अटेम्प्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन ग्रामेटिकल रूल्स जो हम क्लास में करवाते हैं या मेरी वीडियोस भी हैं ग्रामर रूल्स इन पीटी यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी एंड श्योरली उसे रीडिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। इसी के साथ 30 रीडिंग ब्लैंक्स एवरीडे प्रैक्टिस करने हैं, एक बार करोगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी आपकी। अब चलते हैं फोर्थ सेक्शन जो कि लिसनिंग है, बट लिसनिंग में जाने से पहले आपको 10 मिनट की ऑप्शनल ब्रेक मिलती है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ब्रेक लें ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें, बहुत टायर्ड हो जाता है बंदा रीडिंग करके, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो जस्ट रिलैक्स अ बिट और थोड़ा प्लान करें कि आपको लिसनिंग सेक्शन कैसे करना है। एक बार जब आप वापस आएंगे आप लिसनिंग सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लिसनिंग सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, अब लिसनिंग की बात करते हैं। लिसनिंग का फर्स्ट टास्क है आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसके स्कोर आपके लिसनिंग और राइटिंग सेक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं, तो बहुत ध्यान से करना है। इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको अराउंड 10-12 कीवर्ड्स डालने हैं। कीवर्ड्स क्या हैं, प्रॉपर नाउन्स या नाउन्स जो कि पैसेज में या ऑडियो में मेंशन थे। इसी के साथ आपको अराउंड 60-65 वर्ड्स लिखने हैं, 70 से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, 70 से ज़्यादा लिखोगे तो इसके स्कोर या आपके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके ग्रामर एंड स्पेलिंग्स, वोकैबुलरी की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इसमें, एक या दो एकेडमिक वर्ड्स या फॉर्मल वर्ड्स आप डाल देंगे तो दैट विल बी फाइन, बट स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है, कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपको श्योर नहीं है आप मत लिखें, और ग्रामर के लिए आप सिंपल सेंटेंसेस बनाएं। इसमें 10 मिनट मिलते हैं, कंप्लीट 10 मिनट्स यूज़ करें, नो रोल ओवर टाइम होता है, मतलब कि अगर आप ये टास्क जल्दी भी ख़त्म कर लेंगे तो आपको अगले टास्क में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इट्स बेटर है कि आप इसमें पूरा 10 मिनट्स लें और इसको अच्छी तरह से प्रूफ रीड करें। 8 मिनट अपना आंसर लिखने में लगाएं और आखिरी 2 मिनट्स आप प्रूफ रीड करने में लगाएं। इस बात का ध्यान रखें जो ऑडियो का टाइम है वो 10 मिनट में इंक्लूडेड है, मतलब कि अगर 2 मिनट की ऑडियो तो आपके पास आंसर अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ 8 मिनट ही रह जाएंगे, तो आपको मैनेज अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है ताकि आपके पास इनफ टाइम हो प्रूफ रीड करने के लिए। अब क्या होता है, लिसनिंग सेक्शन है जो आपका दो भाग या दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में समराइज स्पोकन टेक्स्ट आता है जिसका इंडिविजुअल टाइम होता है 10 मिनट। फिर आपका पार्ट बी शुरू होता है जिसमें आपको अराउंड 18 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, समवेयर अराउंड 15-18 क्वेश्चन, और इसमें ओवरऑल टाइम होता है जहाँ पे आपको टाइम खुद मैनेज करना होता है। तो आपको पार्ट बी में अराउंड 18 क्वेश्चन आते हैं और अराउंड 25-27 मिनट्स होते हैं। कई बार कम क्वेश्चन आते हैं तो अराउंड 22 मिनट्स मिलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो 28 मिनट होते हैं।
बट पार्ट बी में 18-19 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा आपको। पार्ट बी का फर्स्ट टास्क कौन सा होता है आपका? एमसीक्यू मल्टीपल आंसर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नोट्स नहीं बनाने हैं इसमें, ऑडियो को ध्यान से सुनना है, मतलब समझना है, जो क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर फाइंड करके जो सिलेक्ट आंसर होगा वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको डाउट है तो आप सिर्फ एक आंसर सिलेक्ट करें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और अगर आप एक ऑप्शन भी सिलेक्ट करेंगे तब भी आपकी लिसनिंग में 90 आ सकते हैं। मैं अपने एग्ज़ाम में हमेशा एक ही करके आता हूँ, एक या दो बार मैं दो करके आया हूँ, नॉर्मली मैं एक ही करके आता हूँ ताकि मैं 110% श्योर हूँ। और ये चीज़ प्रूवन है कि अगर आप एक ही करते हैं तो आपके 90 आ सकते हैं, तो इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप रिस्क लेके दो करें, अपना टाइम भी वेस्ट करें और स्कोर भी ना आए। तो जहाँ पे भी डाउट है एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करें और मूव ऑन करें। इसमें 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना, एक बार ऑडियो ख़त्म हो गए 20 सेकंड से ज़्यादा मत लगाना इसमें। फिर आ जाता है नेक्स्ट टास्क, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, दो या तीन आते हैं ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग में और लिसनिंग में इसके स्कोर जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अराउंड 3 पैसेज आते हैं, हर एक पैसेज में 5 ब्लैंक्स होते हैं, 15 ब्लैंक्स हो गए और एक ब्लैंक का एक नंबर होता है, तो 15 नंबर आपके राइटिंग में जाते हैं, 15 नंबर लिसनिंग में जाते हैं, लिसनिंग ब्लैंक से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। दो और चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर कोई ब्लैंक फुल स्टॉप के या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन के बाद आ रहा है तो कैपिटल अल्फाबेट से शुरू करना है। कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है जैसे किसी जगह का नाम, किसी लैंग्वेज का नाम, किसी इवेंट का नाम, किसी रिलीजन का नाम, किसी बुक का नाम, तो वो भी कैपिटल अल्फाबेट में ही लिखना है आपको, नहीं तो आपके स्कोर कम हो जाएंगे इसमें। देन इसके बाद लिसनिंग ब्लैंक्स के बाद आपके आ जाती है हाईलाइट करेक्ट समरी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ये चलेगी ऑडियो अराउंड 1-1.5 मिनट की होती है, इसमें थोड़ी लेंथी होती है। नोट्स बनाएं, एक बार नोट्स लिख लिए आपने, अपनी इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करके जो ऑप्शन स्क्रीन पर दिए हैं एलिमिनेट करें। पहला ऑप्शन देखें क्या इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ पे, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके आंसर में या आपके नोट्स में नहीं है उसको छोड़ के नेक्स्ट पे आएँ, नेक्स्ट में देखें क्या सही है क्या गलत है, और जो लास्ट में रिमेनिंग ऑप्शन होगी उसको सिलेक्ट करके आप आगे चलें। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपना बेस्ट दें क्योंकि इसके 2 नंबर रीडिंग में जाते हैं, 2 नंबर लिसनिंग में जाते हैं। उसके बाद आपका टास्क आता है एमसीक्यू सिंगल आंसर्स। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जैक्टली एमसीक्यू मल्टीपल की तरह, इसमें भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ऑडियो को ध्यान से सुनना है और क्वेश्चनों को पढ़ना है, ऑडियो में से मीनिंग समझ के सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सही आंसर नहीं भी पता लगता कोई भी एक सिलेक्ट कर दो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक सिलेक्ट करके आप मूव ऑन करो। अराउंड 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि लिसनिंग के जो लास्ट 2 टास्क हैं उसके अराउंड 50 पॉइंट्स हैं और एमसीक्यू सिंगल के सिर्फ 1 नंबर है, तो आप 1 नंबर लेने के चक्कर में 50 पॉइंट्स मत गवा देना। लिसनिंग में टाइम बहुत कम होता है, अगर ये एमसीक्यू सिंगल मल्टीपल गलत भी होते हैं और लास्ट क्वेश्चन सही होता है तो आपके इजीली स्कोर आ जाएंगे, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। अब इसी के साथ एमसीक्यू सिंगल में 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। उसके बाद टास्क आता है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, जो कि लिसनिंग सेक्शन का 6th टास्क है और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी अराउंड 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। ये सॉल्व कैसे करना है आपको, आपको मेक श्योर करना है कि आप ऑडियो को ध्यान से सुने, जब ऑडियो ख़त्म होने वाली हो तो लास्ट 4-5 वर्ड अपनी नोटबुक में लिख लें, फिर जो 5 वर्ड आपने लिखे हैं उसके साथ हर एक ऑप्शन लगा के देखें कि कौन सा ग्रामेटिकली सही है और किसकी सेंस बन रही है, जो ऑप्शन सही लग रहा है सिलेक्ट करके आगे निकलें, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। फिर आ जाता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और यहाँ पे हमको टाइम लगाना है। इसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके स्कोर रीडिंग में भी जाते हैं और लिसनिंग में भी जाते हैं। अब इसमें कोई भी वर्ड ऐसा आ जाता है जो आप श्योर नहीं है वो मत सिलेक्ट करें। इसमें कैसे करना है आपको, ऑडियो या लेक्चर के साथ साथ अपना कर्सर मूव ऑन करना है, जहाँ पे भी अलग वर्ड वो बोलता है सिलेक्ट कर देना, जहाँ डाउट है मत करना, उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो वो डिसलेक्ट या अनसिलेक्ट भी हो जाएगा। अगेन जब ऑडियो ख़त्म होती है तो ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है, नेक्स्ट दबाएँ। फिर लास्ट टास्क आ जाता है जिसके लिए मैं आपको कह रहा था कि एमसीक्यू वगैरह पे टाइम मत लगाना, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। अगर 3 डिक्टेशन आती हैं तो अराउंड 35 पॉइंट्स, 4 आती हैं तो अराउंड 45 पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है 35-40 नंबर, डिपेंडिंग ऑन कितनी डिक्टेशन आती हैं, आपको लिसनिंग में देता है और इतने ही नंबर आपको राइटिंग में भी देता है। अगर आपको इतना स्कोर लिसनिंग में भी मिल रहा है, राइटिंग में भी मिल रहा है, तो आपका डिजायर्ड स्कोर अगर ये टास्क सही नहीं होता तो मिस आउट हो सकता है। तो आपको किस बात का मेक श्योर करना है यहाँ पे कि आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन एवरीडे 50 प्रैक्टिस करें और इसमें 100% एक्यूरेसी एम करें। अगर 100% नहीं होती, एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी तो इसमें आनी ही चाहिए, जैसे मर्जी करके आनी ही चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जब ऑडियो चल रही है सीधा टाइप मत करें, मैं रेकमेंड करूँगा पहले इनिशियल्स लिखें, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड लिखें, उसको कंप्लीट कर लें सेंटेंस को, फिर टाइप बैक करें, उससे एक्यूरेसी आपकी इंप्रूव होगी।
अब इसी के साथ साथ मैं आपको दो से तीन चीज़ें और बताऊंगा जिससे कि आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप स्टार्ट अपना आंसर कैपिटल लेटर से करें। फॉर एग्जांपल अगर आपका सेंटेंस है ही इज़ अ गुड बॉय राइट, तो ही का एच आपको कैपिटल करना है। अगर कोई प्रॉपर नाउन आता किसी जगह का नाम, किसी शहर का नाम, किसी इंसान का नाम, या फिर किसी लैंग्वेज का नाम, किसी इवेंट का नाम, कोई मंथ, कोई वीक डे, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये भी आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट से शुरू करना है। फॉर एग्जांपल सिडनी का एस जहाँ मर्जी आ जाए इंग्लिश में एस कैपिटल ही होगा। लास्ट में आपको फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क डालना है अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर फुल स्टॉप डालना है अगर नॉर्मल सेंटेंस है। तीन से चार डिक्टेशन आती हैं। एक बार आपका ऑडियो ख़त्म हो जाए आप अपने नोट्स देखें, टाइप बैक करें, जल्दी से अपना आंसर प्रूफ रीड करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और उसके बाद एक बार प्रूफ रीड कर लिया। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि अगर पहली डिक्टेशन में दो मिनट लगा दोगे तो लास्ट डिक्टेशन मिस हो जाएगी, बट प्रॉपर टाइम देना है ताकि कोई गलती के लिए रूम ना रहे। और एक बार डिक्टेशन ख़त्म हो गई आपको अपना एग्ज़ाम सबमिट करना है। अराउंड 2 घंटे में भी रिजल्ट आ जाता है अब, बट कई बार 5 दिन भी लग जाते हैं। आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा और आई होप कि आपका डिजायर्ड स्कोर आ जाएगा। गाइस दिस वाज माय एक्सपीरियंस कि मैंने अपने एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट किए हैं। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि अब वी हैव रिसेंटली ओपनड आ अकेडमी और सेंटर ऑफ ब्रांच इन इंडिया पंजाब जलंधर एज वेल। अगर आप कहीं पे भी आसपास रहते हो यू कैन कम एंड विजिट अस। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम है जो हम सिडनी में करवाते हैं, ताकि इंडिया के स्टूडेंट्स को भी वही फैसिलिटीज़ मिल पाएँ जो यहाँ पे बच्चों को मिलती हैं जिनसे कि उनका डिजायर्ड स्कोर आता है। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। हमारा ब्रांच का एड्रेस ये है, फ़ोन नंबर ये है, आप आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें फ़ोन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें एंड वील मेक श्योर कि हम आपके साथ जल्द से जल्द हों। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कीजिए। और अगर 1% भी मेरी वीडियोज़ की वजह से आपका स्कोर आता है तो मुझे प्लीज़ बताइए, दैट विल बी द हैप्पीएस्ट डे और हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई डे, एंड दैट इज़ समथिंग आई वर्क फॉर। इसी के लिए मैं काम करता हूँ एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प होगी। इसी के साथ आप languageacademy.com.au पे जाएं, वहाँ पर बैठ कर प्रैक्टिस करें। फ्री पोर्टल है सबके लिए, इंस्टेंट स्कोरिंग मिलती है और एक फ्री मॉक टेस्ट भी मिलता है जो कि स्कोर फीडबैक के साथ होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लीव करें और मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू गाइस, वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी, सी यू वेरी सून, टेक केयर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड मेक श्योर यू क्लियर योर PT एग्जाम। थैंक यू गाइस।